हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर्स 2 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। इसके बाद फर्दर बोले थे कि नेक्स्ट डे क्लास होगी, और इससे पहले आपको बताया गया था कि एक्सरसाइज 11.1 पहले आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। जो डाउट होगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चंस पूछा। चलिए अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप प्रॉब्लम को बना रहे हैं, और अगर टाइम मिलता है तो आप एग्जांपल भी बना लीजिए, जो कि फार बेटर होगा। कंटिन्यूसली रहेगा तो आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होगा, चलिए इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। चलिए आप हम लोग शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 का 3 से स्टार्ट करते हैं। कुछ लिख दिए हैं, समझ में इजी से आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे रूट टू। 5 का 3 और 4 सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, स्पेशली इंडिविजुअली कर दिए, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। आप देखिए, आपके दिमाग में चलता होगा कि 1/√2 को हम कॉस पाई बटे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। और किसी के दिमाग में होगा साइन 45 भी तो सर 1/√2 होगा, तो आप दोनों लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन है तो एक फॉर्मूला में लाने के लिए हम पहले कॉस लिखे पाई बटे 4 इंटू साइन एक्स प्लस इसको 1/√2 को लिखे साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। साइन इनवर्स पहले हम लोग लिख दिए साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इसको जो ब्रेक किए, इसको हम लिखे साइन ए प्लस बी। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी बीच में प्लस कॉस ए और इंटू पढ़े हम लोग क्या चीज कॉस ए और इंटू साइन बी, ये लिख दिए। उसी चीज पे तोड़े कि साइन ए प्लस बी तो एक्स प्लस पाई बटे 4, और एक फॉर्मूला पर है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा तो ये दोनों कैंसिल हुआ, थीटा के बदले में क्या है एक्स प्लस पाई बटे 4। अब डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और पाई बटे 4 का क्या होता है 0, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। उस पर भी हम तोड़ सकते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे वाला सवाल सकते हैं, 6 नंबर आपका 5 में लगभग जो है प्रॉब्लम जो है आपका 4 नंबर था, तो 4 सेम बन जाएगा इसी बेस पे। अब देखिए y इक्वल टू 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए प्रॉब्लम में केसी सिन्हा में बगल में हिंट दे दिया है, तो अगर ब्रेन में एग्जाम में आपको हिंट नहीं दिया रहेगा तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो फॉर्मेट बताया गया था 4.1 का, केसी सिन्हा जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए थे तो इसमें लिखे थे ना, पहला फॉर्मेट क्या लिखे थे, √a² जो एक्स स्क्वायर, इसमें क्या पुट किए थे एक्स बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। दूसरा फॉर्मेट किए थे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट किए थे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तीसरा जो फॉर्मेट था वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें पुट किए थे एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अब फोर्थ फॉर्मेट जो था √a + x बटे ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स, इसमें पुट किए थे एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। चलिए अब इसी प्रॉब्लम पे चलते हैं कि y इक्वल टू देखिए 10 इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए के जगह यहाँ पर कितना है 1 है, तो x बराबर 1 इंटू कॉट थीटा, दैट इज कॉल्ड 1 इंटू कॉट थीटा, पुट करेंगे तो क्या होगा कॉट थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं प्रॉब्लम में, तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, अब प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बटे साइन। अब देखिए एलसीएम क्या हुआ साइन थीटा, तो ऊपर में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यही चीज को हम मेंशन किए। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा कॉस थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा बाय 2, क्या लिखेंगे कॉट थीटा बाय 2। अब देखिए ये तो 10 है ये कॉट है, तो कॉट को 10 में लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉट 90° माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 10 थीटा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए, अब इत कॉट 90 माइनस थीटा, और इसको अगर लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा
टेन नाइन्टी माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा। तो ऑब्वियस है कि कॉट थीटा यहाँ पे दिया तो इसको टेन में कन्वर्ट कर लिए, टेन पाई बटे टू माइनस थीटा। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो हम लोग थीटा लिख दिए। तो चलिए ये दोनों कैंसिल, पाई बाय टू माइनस थीटा। अब चूंकि थीटा के यहाँ पर वैल्यू आपको रखना पड़ेगा हेल्प ऑफ वन से, तो हेल्प ऑफ वन हाफ पहले हो गया, थीटा के बदले क्या है कॉट इनवर्स है, तब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं करना है बल्कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो पाई बटे टू तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जीरो माइनस हाफ पहले से, और कॉट इनवर्स एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं डी बटे डी एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स इसका क्या होता है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही लिखे मैंने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एक बटे दो इंटू, ये आंसर आ गया। चलिए ये क्लियर, आप फाइव में जो है सॉरी सिक्स में लगभग सिक्स सवाल है, तो इसमें टोटल दिया है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपसे बन जाएगा। चलिए सेवन हम लोग चलते हैं, साइन इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, चूंकि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे अगर साइन रहेगा तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और आपके हिंट में भी दिया तो उसको नहीं देखना है, डायरेक्ट हम लोग ये चीज पढ़े भी है। अब देखिए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा क्योंकि एक्स के जगह साइन थीटा, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस टू थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर को हम लिखे क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ कॉस टू थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस टू थीटा। चलिए अब चलते हैं, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस टू थीटा, कॉस को हम साइन में लिखेंगे साइन 90 डिग्री, अब माइनस कितना है टू थीटा, तो ऑब्वियस है कि ये मेरे पास कितना होगा साइन साइन कैंसिल, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा, तो पाई बाय टू माइनस टू और थीटा के बदले में क्या है साइन इनवर्स एक्स, हेल्प ऑफ वन से मानते हैं हेल्प ऑफ वन से। चलिए आइए अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं एक्स करते हैं, तो ऑब्वियस है डी वाई बटे डी एक्स ये हो जाएगा, और देखिए पाई बटे टू का जीरो होगा ऑलरेडी टू पहले था, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टू बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो है सेवन नंबर सवाल जो है ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक आप बनाइएगा, अब देखिए कुछ सवाल जो है क्वेश्चन नंबर एट है, चलिए हम लोग पहले एट पर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और इजी लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग एट देखिए, एट नंबर में क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स का, ये एट है, इसी का टू नंबर सवाल दिया वन था, ये y इक्वल टू सपोज कीजिए सपोज ने दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड नंबर प्रोग्राम मान लीजिए दिया है क्या y इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीन है, ये तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, हम लोग पढ़े हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स अगर बोला जाए साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर टेन में बोला जाए तो टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक ही फॉर्मूला होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये रहे प्रॉब्लम या ये रहे तीनों में कोई एक रहे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे y इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स कितना दिया है 2x बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स 2x बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिखेंगे टू टेन इनवर्स एक्स, जैसे टू टेन इनवर्स एक्स लिखे, अब हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू बटे कितना हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए एट में टोटल आपको हिंट दिया हुआ है, इसी तरह बन जाएगा नाइन्थ तक ही आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या आपको बनाना भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा सवाल हो गया। चलिए नाइन्थ का वन हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, कि वाई बराबर दिया है कितना टेन इनवर्स फोर रूट एक्स बटे क्या लिखा है वन माइनस फोर एक्स, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। अब देखिए हम लोग अभी टेन में लिखे टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज पढ़े हैं टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू एक्स होता है, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स टू फोर रूट एक्स को लिख सकते हैं टू रूट एक्स,
बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो टू टू या फोर एक्स हो जाएगा। बगल में हम मेंशन कर देते हैं, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना हो जाएगा, टू रूट एक्स, फिर से कर देते हैं, टू फोर है तो टू रूट एक्स बटे वन माइनस टू रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, टू तो कॉन्स्टेंट है, डी टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टू रूट एक्स बटे टेन खत्म, टू रूट एक्स इंटू डी टू रूट एक्स बटे डी एक्स, तो ऑब्वियस है हम इसको लिखेंगे टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे, वन बाय वन प्लस टू रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू रहा रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन बटे टू रूट एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो ऑब्वियस है ऊपर में क्या हो जाएगा, टू प्लस वन बट टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर एक्स इंटू वन बटे कितना हो गया रूट एक्स, बस यही आंसर हो गया। तो नाइन का वन हम लोग बना लिए, इसी से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, और अभी बनाइएगा जितना दूर तक होगा बनाइएगा, लेकिन नाइन के पहले तक पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग जो है अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी एक दिन और लगेगा, एक से टू डेज में लगभग, हाँ दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा बस ये चैप्टर, तब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पहले इसको बनाइए अच्छी तरह से। आज के लिए धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, शेयर सब्सक्राइब्स लाइक जरूर करें, थैंक यू।